विनोद खन्ना, जिन्हें पूरा बॉलीवुड सलाम करता था, लेकिन उनके बेटे आखिर क्यों गुमनामी से जी रहे हैं? दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में से एक विनोद खन्ना की बात करें तो एक ऐसा भी समय था जब विनोद खन्ना का परचम पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर लहराता था और उन्होंने अपने करियर के दौरान कई सारी बड़ी फिल्मों में भी काम किया। आज भले ही विनोद खन्ना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार किरदार आज भी लोगों के दिमाग में और दिल में तरोताजा हैं। दोस्तों, विनोद खन्ना को उनके द्वारा किए गए किरदारों के लिए आज भी बहुत पसंद किया जाता है। अमर अकबर एंथनी और हेरा फेरी आज भी काफी ज्यादा पसंदीदा फिल्में हैं। विनोद खन्ना की बात करें तो एक समय ऐसा भी आया था जब वो अपने दौर के कई सारे सुपरस्टार्स को मात देते थे और उनकी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स की हमेशा से जमकर तारीफ होती थी। बड़े पर्दे पर जब भी उनकी एंट्री होती थी तो सीटियों से सिनेमा घरों में उनका स्वागत किया जाता था और इस तरह उन्होंने इंडस्ट्री में रहते हुए काफी नाम और शोहरत भी कमाया। लेकिन बात करें विनोद खन्ना के बच्चों की तो दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, विनोद खन्ना ने एक तरफ जहां काफी नाम और शोहरत कमाया, लेकिन उनके बच्चों की बारी आई तो किस्मत उनकी फूटी निकली। विनोद खन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बड़े बेटे अक्षय खन्ना ने भी इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया। हालांकि वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा तो रहे, लेकिन फिलहाल वो मौजूदा दौर में गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। आज तक उन्होंने शादी तक नहीं की। और ऐसा नहीं है कि अक्षय खन्ना के अंदर किसी टैलेंट की कमी थी, वो भी एक बेहतरीन कलाकार थे और अपने पिता की तरह काफी नाम और शोहरत भी कमाना चाहते थे। इन सब के बावजूद उन्हें कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला, लेकिन उनकी किस्मत ही फूटी निकली। बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आने के बावजूद भी अक्षय खन्ना एक बड़े स्टार नहीं बन पाए। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि ऐसा ही कुछ हाल विनोद खन्ना के सबसे छोटे बेटे साक्षी खन्ना का भी रहा। और अब तक इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए अक्षय खन्ना भले ही इंडस्ट्री में आए और उन्होंने मेहनत करके नाम कमाने की कोशिश की, लेकिन वहीं दूसरी ओर विनोद खन्ना के सबसे छोटे बेटे साक्षी खन्ना की बात करें तो आज तक किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। हालांकि बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर वो दो फिल्मों का हिस्सा बन चुके हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विनोद खन्ना की एक्टिंग स्किल्स की हमेशा से तारीफें होती थीं, साथ ही उनके गुड लुक्स पर उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता था। उस दौरान की तमाम बड़ी हसीनाएं उन पर तो फिदा ही रहती थी। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही लोग विनोद खन्ना के सबसे छोटे बेटे साक्षी खन्ना को लेकर मानते हैं। साक्षी खन्ना अच्छी पर्सनालिटी होने के बावजूद भी अभी तक किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। हालांकि इसके पीछे क्या वजह है ये तो साक्षी खन्ना से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब फिल्मों में भले ही वो दिखाई ना देते हों, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उनका बोलबाला देखने को मिलता है। उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप भी देख कर कह सकते हैं कि विनोद खन्ना से ज्यादा खूबसूरत हैं ये। हालांकि साक्षी ने अब तक किसी फिल्म में काम तो करने का फैसला नहीं किया, लेकिन वो बतौर प्रोड्यूसर फिल्म में जरूर सक्रिय हैं। और इसके कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि साक्षी जल्द ही बॉलीवुड में बतौर एक्टर कदम रखने जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर कहा गया था कि संजय लीला भंसाली उन्हें अपनी फिल्म में लॉन्च करने वाले हैं। और इस बात को हालांकि एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद साक्षी के डेब्यू को लेकर कोई बड़ी अपडेट अब तक नहीं आई है। इसी के साथ ही अगर साक्षी खन्ना के पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ आपको जानकारी देना चाहेंगे कि विनोद खन्ना ने अपने जीवन काल में दो शादियां की थी। विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी के बेटे साक्षी खन्ना हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साल 1988 में विनोद और कविता की मुलाकात एक पार्टी में हुई। इसके कुछ समय बाद दोनों ने फिर शादी कर ली। साक्षी कविता और विनोद के सबसे छोटे बेटे। 2010 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिर वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में उन्होंने मिलन लुथारिया को असिस्ट किया। इसके बाद उन्होंने साल 2015 में संदीप बंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी का हिस्सा बने और यहां पर उन्होंने भंसाली को असिस्ट किया। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि विनोद खन्ना के सबसे छोटे बेटे साक्षी खन्ना जो दिखने में काफी हैंडसम लगते हैं, लेकिन सबके बावजूद बतौर हीरे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नहीं की। तो दूसरी ओर विनोद खन्ना के बड़े बेटे अक्षय खन्ना भले ही इंडस्ट्री में कदम रखे हैं और वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका सितारा बुलंदियों को नहीं छू पाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक।
हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।